तो हम लोग क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंस्पेक्शन देख चुके हैं। पालपेशन में आप लोग को देखना है, तो जिसे हम बोले थे कि समझने के लिए इंस्पेक्शन मतलब कि निहारना, निरखना, निरीक्षण करना। जैसे किसी के साथ ही तय होता है तो पहले पर निरीक्षण होता है ना, जिसको हम लोग परीक्षा कहते हैं। उसमें क्या होता है, बर का निरीक्षण किया जाता है कि बर कैसा है, चलने में कैसा है, दिखने में कैसा है, कहीं अंग भंग तो नहीं है, बोलता कैसा है, सुनता कैसा है, देखता कैसा है, यही निरीक्षण का क्रम होता है। तो वो आदमी लड़की की तरफ आता है, लड़के को निरीक्षण करता है। तो वैसे ही जब पेशेंट आपके पास आया तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, पूछिएगा कि भैया आपको क्या क्या दिक्कत है, वो लिख लिया। उसके बाद आप एग्जामिनेशन के क्रम में सबसे पहला काम आप निरीक्षण कीजिएगा, इंस्पेक्शन उसको अंग्रेजी में, हिंदी में निरखना या निरीक्षण करेंगे। तो ये हमने देखा था कि कैसे क्या क्या चीजें हमको निरीक्षण करनी है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि पाल्पेशन। पाल्पेशन का मतलब होता है कि छूना, छू कर देखना। तो यहाँ पे जो चीजें हमने निरीक्षण के क्रम में पाई थी और उनको हमें कंफर्म करना है, तो हम हाथों से छू के कंफर्मेशन करेंगे। तो हाथों से छू के सर क्या क्या कंफर्मेशन करेंगे, तो पहला चीज ये है वोकल फ्रेमिटस। वोकल फ्रेमिटस में क्या किया जाता है कि पेशेंट को बोला जाता है कि एक 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 या नौ 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 बोलो, 111999, और ऐसा बोलते हुए अपने हथेली को उसकी छाती पर रखते हैं 111111, और दोनों तरफ की छाती को साउंड को मिलाते हैं कि उसमें कोई वेरिएशन आ रहा है क्या। तो आमतौर पे अगर फेफड़े में जिस तरफ निमोनिया हो या फाइब्रोसिस हो या पानी भरा हो, एटोथोरेक्स हो या निमोथोरेक्स हो, तो जो टेक्टाइल वोकल फ्रेमिटस है मतलब पेशेंट जो बोल रहा है 111, उसका साउंड नॉर्मल फेफड़ा में अलग होगा और जिस तरफ बीमारी है उस तरफ वो साउंड क्या होगा, आपको कम फील होगा, एवीएफ क्या होगा, घट जाएगा, टेक्टाइल वोकल फ्रेमिटस घट जाएगा। तो ये कन्फर्मेशन करने का तरीका है। मान लीजिए कि पेशेंट को खांसी है, हाफ है, तो आप आला लगाने से पहले उसका टीवीएफ चेक कर सकते हैं कि दोनों तरफ के साउंड में डिफरेंस आ रहा है, तो जिस तरफ डिफरेंस आ रहा है मतलब उस तरफ कोई पैथोलॉजी हो गई, फिर आप आला उस तरफ लगा के देखिएगा, उसको कंफर्म कर देते हैं। साउंड जा रहा है मतलब निमोनिया हो सकता है ना, क्रैप्स मिल रहा है, और साउंड मिल ही नहीं रहा, हवा जा ही नहीं रही है, तो कोलैप्स हो सकता है, हाइड्रोथोरैक्स हो सकता है, न्यूमोथोरैक्स हो सकता है ना। तो ये है वोकल फ्रेमिटस। उसके बाद टेंडरनेस ओवर चेस्ट वाल। टेंडरनेस का मतलब होता है दर्द को दबाने पे कोई चीज अगर दर्द करे तो कहा जाएगा कि टेंडरनेस है। कोई भी अंग जिसको दबाने पे दर्द महसूस हो तो कहा जाएगा कि ये अंग में टेंडरनेस है, टेंडर पेन है, ठीक ना। तो टेंडरनेस हम लोग पूरा छाती छू के देखते हैं कि कहीं छाती में दबाने पे दर्द हो रहा है क्या, इंडिकेटर है कि मस्कुलर पेन हो सकता है, रिब्स फ्रैक्चर हो सकता है, है? ये दो चीजें हैं जो उसको दबाने पे चेस्ट वाल में पेन महसूस होगा, ये दो कंडीशन रहने से इसको देखा जाता है। फिर हम लोग चेस्ट वाल का एक्सपेंशन मेजर करते हैं, मेंस में निप्पल वाले हिस्से में टेप से नाप के देख लेते हैं, और फिर बोलते हैं कि सांस पूरा लेके फुलाइए छाती को, पूरा फुलाएगा तो 5 से 7 सेंटीमीटर छाती फूलता है, ये नॉर्मल है। फीमेल्स में ब्रेस्ट के नीचे नापा जाता है। अगर किसी का फेफड़ा का बहुत सारा ऐसा फाइब्रोस हो गया हो तो उसमें एक्सपेंशन कितना हो रहा है, 1 से 2 सेंटीमीटर चेस्ट एक्सपेंड करेगा, इसमें भी ब्रोंकाइटिस में है, या प्लूरल विक्रूजन है तब भी, इम्फाइसिमल वाला चेस्ट है तब भी, लंग कोलैप्स कर गया एक पार्ट तो भी एक्सपेंशन क्या होगा, कम होगा,
आप जो सोच रहे हैं उसमें एक उकील और खुद गया ना जी, हम जो सोच रहे हैं सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन इसी के लिए ना होता है कि जो तुम सोच रहे हो तुम अपने डायग्नोसिस के और नजदीक पहुंचते जाओ। उसके बाद ट्रेकिया या मीडियास्टिनल का कंफर्मेशन किया जाता है। कैसे, देखो ये है तुम्हारा यहाँ पे सांस का नल और ये दोनों तरफ है स्टर्नोक्लिडो मस्कुलर मसल, तो इससे दोनों तरफ का डिस्टेंस माप लेते हैं यहाँ से। अगर ये बीचों बीच है ट्रेकिया मतलब ठीक है, ठीक है। अगर किसी तरफ कोलैप्स होगा फेफड़ा में परेशानी होगा तो ट्रेकिया क्या होगा उस तरफ ट्रेकिया पुल सिंड्रोम होता है और ट्रेकिया पुश सिंड्रोम होता है। तो लिखा भी हो सकता है ट्रेकिया पुश सिंड्रोम ट्रेकिया पुल सिंड्रोम। प्लूरल इफ्यूजन होगा ट्रेकिया पुश मिलेगा मतलब ट्रेकिया उस दूसरे तरफ चला जाएगा। मान लीजिए प्लूरल इफ्यूजन इस फेफड़ा में है तो ट्रेकिया आ जाएगा और फाइब्रोसिस है निमोनिया है तो ट्रेकिया पुल सिंड्रोम होगा। ट्रेकिया क्या होगा जिधर पैथोलॉजी है उस तरफ जो चला जाएगा। उसके बाद कंफर्मेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ चेस्ट वाल, कई बार हम लोगों को नर्सरी में नहीं हो जाता है कंफ्यूजन ये सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो उस स्थिति में मान लीजिए तुमको कंफ्यूजन है तो क्या उपाय है तुम्हारे पास, उसके बाद भी नहीं कर रहा है तो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है कैसे पता चलेगा। देख के तो इंस्पेक्ट कर लिए सांस जैसे लग रहा है कि नहीं ले रहा है होल्ड किए उसके चेस्ट वॉल पल्पेट करके पता करना है। चेस्ट वॉल पे हाथ रखेंगे चेस्ट वॉल का एक्सपेंशन देखना है। कैसे देखेगा हाथ पे हाथ तो रख के। अरे भाई ये सिंपल तरीका है इनके छाती पे हाथ रख दो ऐसे सांस लो जी मेरा अंगूठा देखो क्या हो रहा है अंगूठा मूव कर रहा है तो सांस लेगा तो अंगूठा मूव करेगा सांस नहीं लेगा तो नहीं नहीं, नहीं करेगा या उससे भी नहीं है तो जो जिसे तुम लोग हाथ बांधता है पहले पैसा मंगला के दिन ही हमारे पहले पैसा कौन जरूरत था हमारा वो मैं गाँव के है पेशेंट में जाए तरीका कुछ चाहिए लेकिन सांस रोक ले बा अब तू कंफ्यूजन में बड़ा कि सांस लेता कि नहीं खेल लेता कि बहुत दर्द नहीं क्या कुछ एकदम फीवर चेस्ट एक्सपेंशन हो रहा है मतलब एकदम कोई से पता चले देखा से तू कंफ्यूजन में बड़ा तब छू के करें कंफर्म कर लो तो छू के कंफर्म करेगा तरीका हुआ है भाई हम बता नहीं हो छाती पर है हाथ लगा दो आपस में मिला सांस ले तो अंगूठा दूर जाए फेफड़ा फूली तो अंगूठा दूर हुई नजदीक हो जाएगा मतलब चला था या टेप लेके हटा के छोड़ दो पकड़ लो अगर सांस ली तो चली नहीं के चला जाएगा मतलब जो सांस ओकरा बाद बेटा पाल्पेशन के बाद ऑस्कल्टेशन के नाम आते हम का कहनी कि पाल्पेशन करके कहनी पता करवा कि सांस एकर चलत है कि नहीं के ऑस्कल्टेशन करके तो देख लेबा कि एयर एंट्री बाय कि नाम है लेकिन तरह लगे आला नहीं थे आला भुला गए तरह पालपेट करके बताए हुआ कि कहीं ना लेकर छाती चल सांस लेते कि नहीं लेते का देखो चेस्ट वाल के मूवमेंट है ना देखो और जाहिर बात है कि जैसे निमोनिया हुई या पानी भरल बा हवा भरल बा होने के चेस्ट वाल का हुई पंप एक्सपेंड कर ना फूली पहुंच की पंप पहुंच की फूली ओकरा बाद एपेक्स बीट पे खा जाला एपेक्स बीट के अंदर खा जाला
एपेक्स बीट नॉर्मली क्या होला कालो पत्र लर्निंग पहिलका क्लेम की आई प्ले पहिलका रीड हो गेल सेकंड रीड थर्ड रीड फोर्थ रीड फिफ्थ रीड। फिफ्थ रीड में मिड क्लेविकुलर है क्लेविकल ऑफ कॉलर बोन, कॉलर बोन के बीच पे एक लाइन खींच कर नीचे एकदम ठीक जहां लाइन पांचवा इंटरपोस्टल स्पेस के काटी वही जाए एपेक्स बीट हार्ट के धड़कन वही जा हाथ पर तरफ ली हुई माया तरफ पांचवा रिब के बीच में पांचवा रिब रिब गिने के से करूंगी फाइबर क्लेविकल भाग कॉलर बोन ओकरा बाद जैसे देखो तो फर्स्ट रिब फर्स्ट इंटरपोस्टल स्पेस सेकेंड इंटरपोस्टल स्पेस ओकरा नीचे थर्ड इंटरपोस्टल स्पेस तीसरा और चौथा रिब के बीच में ये चौथा और पांचवा रिब के बीच का जगह होगा पांचवा और छठवा रिब के बीच का जगह होगा आई क्लेविकल हो गई तो क्लेविकल के बीचों बीच से एक लाइन नीचे ड्रॉ करो कि जहाँ आवा था है जो तार एपेक्स बीट। अब एपेक्स बीट अगर एने ओने डिस्प्लेस बा तो अगर मतलब कि कोई पैथोलॉजी वाले उन देख रहे हैं डिस्प्लेस करेक्ट तो पालपेशन में ये सब चीज देखेगा होगा ना। जैसे देखो एम्फाइसीमा होगा तो चेस्ट वॉल का एक्सपेंशन क्या होगा कम घट जाएगा कम एक्सपेंड करेगा। उसी तरीके से न्यूमोथोरेक्स है उसमें भी घट जाएगा हाइड्रोथोरेक्स है उसमें भी घटेगा लंग कोलैप्स कर गया उसमें भी घटेगा ब्रोंकोलाइटिस में लेकिन नॉर्मल होगा चेस्ट वॉल का एक्सपेंशन उसमें घटेगा नहीं। फिर लंग कैंसर होगा उसमें भी चेस्ट वॉल का एक्सपेंशन क्या होगा घट जाएगा। ब्रोंकियोलाइटिस में चेस्ट वॉल का एक्सपेंशन नॉर्मल होगा। ब्रोंकियल अस्थमा में चेस्ट वॉल का एक्सपेंशन नॉर्मल होगा। ब्रोंकाइटिस में चेस्ट वॉल का एक्सपेंशन नॉर्मल। कंसोलिडेशन मतलब कंसोलिडेशन क्या होता है जी निमोनिया में जो घाव बनता है ना उसी को कंसोलिडेशन कहा जाता है ठीक है। तो कंसोलिडेशन में ईवीएफ क्या होगा बढ़ जाएगा मतलब जिधर निमोनिया है अगर पेशेंट को एक 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 बुलवाओगे नॉर्मल छाती में जो साउंड आएगा उससे बड़ा हुआ साउंड मिलेगा निमोनिया वाले पर। निमोनिया जहाँ है उधर साउंड क्या होगा बड़ा हुआ जबकि प्लूरल इक्विजर है तो जिधर प्लूरल इक्विजर होगा उधर साउंड क्या होगा डाउन मिलेगा डिक्रीज टीवीएफ। ऐसे फाइब्रोसिस हो गया है जाते तो या आपका टेक्टाइल वोकल फ्रेमिटस क्या होगा अभी जब इस सब हम लोग पढ़ लेंगे ना अलग पूरा एक एक बीमारी में देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। अभी चलेगा ये आज के लिए।